2022 की हिट्स मूवीज में से एक KGF 2 क्या आपको भी पसंद है? क्या आप भी KGF 2 का इंतजार करने वालों में से एक थे? रॉकी का किरदार आपको कितना पसंद आया और क्या आपको भी जानना है कि आखिरकार किस तरह से इस फिल्म को शूट किया गया था? हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे KGF 2 के बिहाइंड द सीन्स के बारे में और साथ ही साथ उनके बारे में भी बताएंगे कि आखिरकार ये किस तरह से शूट किए गए थे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप भी हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन पाए और सबसे पहले मौका पाए आप हमारे वीडियोस देखने का। KGF फिल्म जिसका पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है। KGF चैप्टर 2 फिल्म KGF का ही सीक्वल पार्ट है। 2 घंटे 48 मिनट की ये फिल्म जिसका बजट 100 करोड़ रुपए था और 2022 को अप्रैल में लगी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की फिल्मों से बहुत ज्यादा कमाई की थी। इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो तकरीबन ये 1250 करोड़ के आसपास था। प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म लोगों के दिलों में छा गई थी और इस फिल्म में यश, श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त व रवीना टंडन जैसे अभिनेता व अभिनेत्रियां शामिल हैं। इस फिल्म में मुख्य किरदार यश जो कि रॉकी का रोल व संजय दत्त जो कि अधीरा का रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म में 800 से भी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट को लिया गया है। जी हाँ गाइस, और इस फिल्म का लोगों को पसंद आने का कारण तो इसके शूट्स ही है जिसमें टीम मेंबर्स ने पूरी बहुत जबरदस्त मेहनत की है। और इस फिल्म के शूट लेने के लिए सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने अपने कंधे पर हाई डेप्थ वाले कैमरा को रखा और जिसका वजन करीबन 40 किलो है। और इस फिल्म में अलग अलग एंगल से शूट लेने के लिए 150 से ज्यादा कैमरे यूज में लिए गए और इस फिल्म में कॉस्ट्यूम्स पर भी काफी ध्यान रखा गया जिसकी स्पेशल जिम्मेदारी योगी जी, राज व नवीन शेट्टी को दी गई थी। चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार इसके सीन्स को कैसे शूट किया गया। अब दोस्तों आप वीडियो में जो देख रहे हैं ना उससे आपको पता चल रहा होगा कि संजय दत्त को अधीरा के लिए किस तरह से तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, और इनको जो कॉस्ट्यूम पहनाया जा रहा है ना ये तकरीबन 25 किलो का है गाइस, क्योंकि फिल्म में इतिहास दिखाया गया है और उसके हिसाब से ही कॉस्ट्यूम डिजाइन किया गया। इनका कॉस्ट्यूम जूट जैसी चीजों का प्रयोग करके बनाया गया है। यस, अब दोस्तों आपने और फिल्मों के बिहाइंड सीन्स में देखा होगा कि कार रेस या किसी भी कार का पीछा करने का सीन VFX का यूज करके दिखाया जाता है ना, या VFX के जरिए ही शूट किया जाता है। लेकिन KGF 2 में रियलिटी का पूरा ध्यान रख के शूटिंग की गई है और इस समय आप वीडियो में देख रहे होंगे कि मूवी के कार चेजिंग सीन को किस तरीके से शूट किया गया है। रियली गाइस, इट्स अमेजिंग। और इस सीन में रॉकी रीना को बचाने के लिए जाता है, हालांकि ये कार भी बहुत महंगी है और इसका नाम है फोर्ड मस्टैंग 1969। अब दोस्तों फिल्म में जो दिखाया गया है उसमें तो रॉकी का पैलेस कोलार गोल्ड फील्ड्स के पास ही है, लेकिन फिल्म में जो शूट लिया गया ना उसमें हैदराबाद के ताज पलक पैलेस का लिया गया है। बाद में एडिटिंग और VFX के जरिए इसे ऐसा दिखाया गया कि दोनों एक ही हैं। अब दोस्तों फिल्म का वो सीन जिसमें लगता है कि रॉकी सब कुछ हार गया, जी हाँ, और दुबई इनायत अली से मीटिंग करने के लिए चला जाता है और जिस बीच को दुबई का बीच दिखाया गया ना असल में वो इंडिया की ही एक लोकेशन का है। ये बीच कर्नाटक का है जहां पर ये शूट कंप्लीट हुआ है। और इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन्स उतने भी आसान नहीं है जितने लगते हैं, क्योंकि इस फिल्म में 15 करोड़ रुपए तो बस क्लाइमैक्स के लिए ही रखे गए थे। जी हाँ, और दोस्तों इस सीन में आप देख रहे होंगे कि रॉकी और अधीरा फाइट करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें फाइट करते वक्त जो भी शूट किए गए ना वो सारे के सारे रियल है। यस, और इसमें कोई भी डबल बॉडी नहीं दिखाया गया है। और इस सीन से आपको पता चल गया होगा कि फिल्म मेकर्स ने कितनी ज्यादा मेहनत की है। और दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि रॉकी की पत्नी का किरदार निभाने वाली श्रीनिधि शेट्टी शूटिंग के वक्त कैमरे में देखकर कैसे खुश हो रही है। और इस वीडियो में श्रीनिधि होली के दिन कार में बैठी है और पिछले साल की होली इन्होंने सेट पर ही मनाई है। दोस्तों जब रॉकी फिल्म में मिनिस्टर को मारने जिस जगह पर पहुंचता है तो वो सीन कोई शूट के लिए नहीं बनाया गया था, अरे वो तो मैसूर में इंफोसिस का कैंपस है जहां आप देख रहे होंगे कि कितने सारे AK-47 का ढेर लगा हुआ है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के लिए ही किया गया है। अब दोस्तों बिहाइंड द सीन्स देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्म मेकर्स ने कितनी ज्यादा मेहनत की है। दोस्तों आपको KGF और KGF 2 कैसी लगी नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाकर अपना सपोर्ट हमें दिखाएं।